हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है बेटा, टाइप्स ऑफ रिलेशंस, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम रिलेशंस की टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इस टाइप्स ऑफ रिलेशंस में आपका प्लस वन और प्लस टू दोनों कवर हो जाएगा। प्लस टू में भी जो टाइप आपको करनी होती है, हम वो आज इसमें डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखना, और कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, तो इसलिए आपको टाइप्स को अच्छे से सीखने की जरूरत है। तो बेटा, टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे पहली टाइप आपकी एम्पटी रिलेशन। क्या टाइप है बेटा? एम्पटी रिलेशन। एंड अनदर नेम ऑफ दिस रिलेशन इज वॉइड रिलेशन। वॉइड रिलेशन बेटा, जैसे आपको पता है एम्पटी नाम से ही पता ना, ए रिलेशन हैविंग नो ऑर्डर पेयर, यानी ऐसा रिलेशन बेटा जिसमें एक भी ऑर्डर पेयर ना हो, खाली हो, उसको हम एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं। जैसे हमारा एम्प्टी सेट था, एम्प्टी सेट किसे बोलते थे बेटा? ए सेट हैविंग नो एलिमेंट। और रिलेशन में जो हमारा एलिमेंट होता है बेटा, क्या होता हो? वो होता ऑर्डर पेयर। तो ये वही डेफिनेशन है, ए रिलेशन हैविंग नो ऑर्डर पेयर। इज दैट क्लियर? देन वी कैन से दैट इज अवर एम्प्टी रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल बेटा, ए हमारा कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है 1, 2, और बी अनदर कोई हमारा सेट है जिसमें है हमारे 4, 5। हम एक रिलेशन बनाना चाहते हैं ग्रेटर देन का। नोट दिस पॉइंट बेटा, वी वॉन्ट टू मेक ए रिलेशन ऑफ ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का रिलेशन बनाना है। रिलेशन तो पता आपको, कार्टिजन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। व्हाट इज रिलेशन? सबसेट ऑफ है कार्टिजन प्रोडक्ट का, पता है इसको? हमने लास्ट लेक्चर में किया भी था इसको, रिलेशन। तो रिलेशन निकालते हैं, और कंडीशन ये ध्यान रखनी हमने कि ग्रेटर देन, जब कार्टिजन प्रोडक्ट करेंगे उसके ऑर्डर पेयर में से वो ऑर्डर पेयर हम लेंगे बेटा जिसमें फर्स्ट एलिमेंट सेकंड से ग्रेटर है, बड़ा है। क्लियर है? देखो, 1 के लिए हम ऑर्डर पेयर बनाए 1, 4, 1, 5, दोनों में 1 छोटा है तो नहीं लेंगे। 2 के साथ बनाए 2, 4, 2, 5, दोनों में छोटा है। तो इसका मतलब क्या है बेटा कि इस रिलेशन में एक भी ऑर्डर पेयर नहीं आया ग्रेटर देन के एग्जाम्पल में। तो इस प्रकार के रिलेशन को हम बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन, और जनरली इसको हम ऐसे लिखते हैं R इज इक्वल टू 5, यानी ऐसा रिलेशन जो नल आए उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? एम्प्टी रिलेशन। सेकंड, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, इफ आर इज इक्वल टू ए कार्टिजन बी। हमें रिलेशन लेना है और उसमें कार्टिजन प्रोडक्ट के बेटा सारे के सारे ऑर्डर पेयर आ जाए, यानी कार्टिजन प्रोडक्ट और रिलेशन इक्वल आए, तो ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। जैसे यही एग्जाम्पल अगर हम बेटा लेस देन के लिए ले लेते, ये जो हमारा एग्जाम्पल था ए और बी वाला, इसको बेटा हम लेस देन के लिए ले लेते इसमें, तो लेस देन में क्या लेना होता है? जिसका फर्स्ट एलिमेंट सेकंड से छोटा है बेटा। देखो ध्यान से, हमारी कार्टिजन प्रोडक्ट क्या बनेगी? 1, 4, 1, 5, 2, 4 एंड 2, 5। अब इसमें कौन सा लेना है? हम वो ऑर्डर पेयर लेंगे कार्टिजन प्रोडक्ट में से जिसका फर्स्ट एलिमेंट सेकंड से लेस है। तो 1 तो दोनों से छोटा है ना, तो 1, 4 भी लेंगे और 1, 5 भी लेंगे। एग्जाम्पल बेटा मैं ऊपर वाला ही ले रहा हूं, इस बात को ध्यान रखना। इसके बाद 2 के साथ 2, 4 भी लेंगे और 2, 5 भी लेंगे। इज दैट क्लियर? अब यदि ध्यान से देखें तो अगर ए और बी की कार्टिजन प्रोडक्ट करते हम, तो ये चारों बनते थे ना हमारे, तो इसका जो रिलेशन है वो कार्टिजन प्रोडक्ट के इक्वल आया। तो ऐसे रिलेशन को बेटा हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन। इज इट क्लियर? थर्ड है इनवर्स रिलेशन। कौन सा रिलेशन बेटा हमारा? इनवर्स रिलेशन, इनवर्स ऑफ ए रिलेशन। इसके बारे में वैसे हम पहले पढ़ चुके हैं,
फिर रिपीट कर देता हूं, इनवर्स ऑफ रिलेशन क्या होता है, आर इनवर्स बी कोमा ए सच दैट ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। इनवर्स रिलेशन क्या होता है बेटा, इसमें हम वो ऑर्डर पेयर लेते हैं यदि उसका उल्टा ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर रिलेशन में है। मतलब बेटा जो ऑर्डर पेयर आपका रिलेशन में है, जैसे 5,6 है तो इनवर्स में हम 6,5 लेते हैं, 7,9 है रिलेशन में तो 9,7 हम कहां लेंगे, इनवर्स में। यानी ए कोमा बी यदि रिलेशन में है तो इस प्रकार के ऑर्डर पेयर को इनवर्स रिलेशन में हमें बी कोमा ए बना देंगे। जैसे मैंने बेटा इसी ऊपर वाले एग्जांपल वो ले रहा हूं मैं, या आपका कोई रिलेशन है जिसमें एलिमेंट क्या है 1,4,1,5,2,4,2,5। अब इसमें से इनवर्स रिलेशन में क्या लेंगे, इसके उल्टे ले लेंगे हम, यानी ए बी है तो बी ए बना देंगे, 4,1,5,1,4,2,5,2। तो बेटा तीन तो ये रिलेशन हो गया, अभी और भी करेंगे हम। हमारा फर्स्ट रिलेशन कौन सा है, एम्प्टी रिलेशन जिसमें एक भी ऑर्डर पेयर ना हो, यूनिवर्सल रिलेशन जिसमें रिलेशन के ऑर्डर पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऑर्डर पेयर सेम हो यानी बराबर आए, और इनवर्स रिलेशन में हम क्या करते हैं बेटा, जो ऑर्डर पेयर रिलेशन में है उसका उल्टा, यानी ए बी रिलेशन में है तो बी कोमा ए उसके इनवर्स रिलेशन में लेते हैं। इसके बाद जो फोर्थ है बेटा वो है आइडेंटिटी रिलेशन, और इससे जो नेक्स्ट आएगा वो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मैं दोनों को एक साथ लूंगा बेटा क्योंकि ऑलमोस्ट दोनों सेम हैं, और बहुत कंफ्यूजन रहता हमें कि रिफ्लेक्सिव है ये या आइडेंटिटी है। वैसे आपके प्लस में सिर्फ आइडेंटिटी रिलेशन तक है, रिफ्लेक्सिव आपके प्लस टू में आएगा, लेकिन अभी समझ लीजिए आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। नेक्स्ट हमारा जो फोर्थ है वो है बेटा आइडेंटिटी रिलेशन, और इससे जो नेक्स्ट है मैं दोनों को एक साथ ले रहा हूं बेटा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये प्लस टू में बहुत बार आएगा तो इसलिए इसको यहां ध्यान से कर लेना, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इन आइडेंटिटी रिलेशन आर इज इक्वल टू ए कोमा ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, इज दैट क्लियर। एंड इन रिफ्लेक्सिव रिलेशन आर इज इक्वल टू ए कोमा ए, इज दैट क्लियर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर implies that A belongs to A, यानी फोर ऑल के लिए सभी, ये फोर ऑल का सिंबल है, सभी में आना चाहिए हमारा ये। अब इसमें डिफरेंस क्या है मैं बताता हूं। सपोज कीजिए बेटा A हमारा कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है 1,2,3। आइडेंटिटी रिलेशन में बेटा जो भी ऑर्डर पेयर है ना उसके दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए। जैसे R लिखा मैंने 1,1,2,2, इज दैट क्लियर। मैंने यहां पर एक फोर ऑल वर्ड यूज किया है, यहां पर देखो मैं लिख भी देता हूं कोमा फोर ऑल ही देता हूं, चलो आपको स्पष्ट हो जाएगा। यहां पर फोर ऑल सबके लिए, फोर ऑल यानी A जितने भी एलिमेंट सबके लिए होना चाहिए हमारा, इज दैट क्लियर। A कोमा A बिलोंग्स टू R, मैं दोबारा लिखता हूं क्लियर समझ में आ जाए आपको, ये ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ध्यान सुनना इस बात को, आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है, जितने भी ऑर्डर पेयर होते हैं उन दोनों का फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट बेटा सेम होना चाहिए। जैसे 1,1 है 2,2 है, इसमें 3,3 भी हो सकता था, ना हो तो तब भी कोई बात नहीं है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में मतलब क्या है, एग्जाम्पल मैंने ए वाला ही ले लिया कि इसमें भी सेम होने चाहिए बट सारे होने चाहिए, यानी ए में जितने भी एलिमेंट हैं उनके सेम एलिमेंट्स वाले ऑर्डर पेयर सारे होने चाहिए। जैसे इसमें 1,2,3 था तो इसमें 1,1 भी जरूरी है, 2,2 भी जरूरी है, 3,3 भी जरूरी है।
अगर सपोज करो इसमें थ्री थ्री नहीं होता तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। इज इट क्लियर? यानी ए सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके सेम एलिमेंट्स, यानी फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट जिनमें सेम एलिमेंट्स हैं, ऐसे ऑर्डर पेयर सारे होने चाहिए। इज दैट क्लियर? इसमें कोई जरूरी नहीं है। और देखिए मैं एक और बताता हूं, जैसे आर है 1,1 और 3,3, ये आइडेंटिटी रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 2,2 नहीं है। तो क्लियर हो गया ना? आइडेंटिटी रिलेशन में चाहे एक भी ऑर्डर पेयर क्यों ना हो, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, ये भी जैसे मैं 2,2 ले लिया मैंने सिर्फ, यानी जितने भी हो ना, चाहे एक है चाहे दो है चाहे कितने भी हैं, वो सारे सेम होने चाहिए। और इसमें क्या है रिफ्लेक्सिव में भी, सेम तो होने चाहिए। साथ के साथ कंडीशन क्या है कि सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके सब क्यों होने चाहिए, साथ में यदि कोई एक्स्ट्रा है, मैं अलग ले लेता हूं एग्जाम्पल ताकि कंफ्यूजन हो आप, ये तो होने बेटा जरूरी ही है 1,1, 2,2, 3,3, तो हमारा रिफ्लेक्सिव है ये। अगर इसके साथ में 1,2 और 1,3 भी दे दिया तो भी रिफ्लेक्सिव है, हमें एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर से कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ रिफ्लेक्सिव में ये देखना है बेटा कि ए सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं क्या उन तीनों के, क्या उन चारों के सेम एलिमेंट्स वाले ऑर्डर पेयर हैं या नहीं है। बट आइडेंटिटी रिलेशन में ध्यान रखना बेटा इस बात को, चाहे एक है चाहे दो है वो सेम वाले होने चाहिए। अगर हम इसके अंदर 1,1 के साथ 1,2 ले लेते हैं तो हमारा ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, रिफ्लेक्सिव तो वैसे नहीं है कि उसमें 2,2 और 3,3 भी होना चाहिए था। तो बेटा ये माइनर डिफरेंस है, मैं लास्ट टाइम इसको दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं, आइडेंटिटी रिलेशन में जितने भी ऑर्डर पेयर हैं फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट दोनों में सेम होना चाहिए, और रिफ्लेक्सिव में ए सेट में जितने भी एलिमेंट हैं उनके सेम होने चाहिए, यदि उनके साथ कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर भी हैं तब भी हमारा रिफ्लेक्सिव रहेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है बेटा हमारी, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव सिक्स्थ, ये प्लस टू के लेवल पे है। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है बेटा, बहुत ईजी है। इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए सेट। इसका मतलब ये ए और बी ए सेट में से लेनी है। अब मेन बात ये है बेटा, ये यानी ऐसा रिलेशन अगर इसके अंदर 1,2 है ना तो 2,1 भी होना चाहिए बेटा। इज इट क्लियर? यानी ए बी है तो उसका कन्वर्ट यानी बी ए बी उसके अंदर होना चाहिए, ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर 2,3 ले लिया, यहां पर 3,3 ले लिया और यहां पर 3,2 ले लिया, तो सबके उल्टे चेक करो, देखो 1,2 है 2,1 भी है, 2,3 है तो 3,2 भी, देखो यहां पर, और 3,3 का उल्टा 3,3 रहेगा। तो इस प्रकार के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। आसान है ना? नेक्स्ट है ट्रांजिटिव रिलेशन। इफ, ध्यान से देखना इसको, इसमें हम बड़ा गड़बड़ करते हैं, कंफ्यूजन होता है। इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, यानी ऐसा कोई ऑर्डर पेयर है ए कोमा बी, जैसे 4,6 ले लिया हमने, और बी कोमा सी भी है, यानी दो ऑर्डर पेयर ले लिया बेटा हमने। ध्यान रखना ए बी और बी सी दो ऑर्डर पेयर हैं। ये किस टाइप के लिए हैं? फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट और सेकंड ऑर्डर का फर्स्ट एलिमेंट, ये सेम होने चाहिए। इज दैट क्लियर? जैसे मैं पहले ले लेता हूं समझाने के लिए आपको, एक तो 4,6 ले लिया मैंने, एक ले लिया 6,7, यदि इस टाइप के दो ऑर्डर पेयर हैं तो, कैसे, फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट और बेटा सेकंड ऑर्डर का फर्स्ट एलिमेंट यदि सेम है तो ऐसे सिचुएशन में एक ऑर्डर पेयर और होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? फर्स्ट ऑर्डर का फर्स्ट एलिमेंट
और सेकंड ऑर्डर का सेकंड एलिमेंट वाला ऑर्डर पेयर भी होना चाहिए, यानी एसीबीसी में होना चाहिए। तो जैसे इसमें 4.6 और 6.7 है, तो इसमें एक ऑर्डर पेयर और यदि और हो जाता, कौन सा? ए और सी वाला 4.7। तो इसको बोलते हैं हमें ट्रांजिटिव रिलेशन। और ये ए बी सी एलिमेंट कहां से लेंगे बेटा? हमें ये लेंगे हम ए सेट से, जो भी सेट गिवन होता है उसमें से। तो मेन बात तो आपकी यहां तक है कि ए बी आर में है, बी सी आर में है, और ये ऑर्डर पेयर किस टाइप के होने जरूरी है? इसका सेकंड और इसका फर्स्ट सेम होने चाहिए। तो तीसरा ऑर्डर पेयर उसमें यदि है किस टाइप का? इसका फर्स्ट और इसका सेकंड मिला के। तो इस प्रकार के हमारे रिलेशन को बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। और इसमें बेटा लास्ट है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन इसमें क्या होता है बेटा? इजी है, ये तीन रिलेशन को मिलके बनता है। ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव समझ गए अभी किया हमने, रिफ्लेक्सिव है। ऐसा रिलेशन जो सिमेट्रिक है, कैसा है? सिमेट्रिक है। और ऐसा रिलेशन जो ट्रांजिटिव है, यानी ऐसे रिलेशन में जिसमें तीनों ही गुण मिले हुए हैं, ए रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तो उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। रिफ्लेक्सिव का पता चल गया, ए सेट में जितने भी एलिमेंट है उनके सेम एलिमेंट होने चाहिए, यानी ए ए टाइप के। सिमेट्रिक में क्या था? ए बी है तो बी ए होना चाहिए। और ट्रांजिटिव में क्या था? ए बी और बी सी है तो ए सी भी होना चाहिए। तो जिसमें तीनों ही क्वालिटी है, ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो बेटा उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। डियर स्टूडेंट, आज मैं इस लेक्चर को थोड़ा सा बढ़ा रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये तो टाइप्स थी आपकी, अब एक रिलेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, यानी रिलेशन को कैसे राइट करते हैं, इसको भी हम इसी टॉपिक में ले लेते हैं। मैं दूसरा लेक्चर नहीं देना चाहता इसके लिए, ताकि आप इसी में सीख लें। फिर भी यदि कमी रहती है तो आपकी यदि प्रॉब्लम आएगी तो जब आप बताओगे तो वो ले लेंगे हम। सबसे पहला है आपका मेथड, इसमें सेट बिल्डर होम। सेट बिल्डर होम यानी एक रिलेशन को हम कैसे राइट कर सकते हैं, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसमें है सेट बिल्डर होम। एक है बेटा रोस्टर फॉर्म, ये दोनों आपने सेट में भी सीखी थी ना, सेट में भी सीख रखी आपने, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। बेटा इसके लिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया, ए में हमारे एलिमेंट हैं 2, 3, 6 और 8 और बी हमारा कोई दूसरा सेट है जिसमें एलिमेंट ले लिया बेटा मैंने 2, 4, 6 and 10 ले लेते या 9 ले लेते, चलो छोड़ दो, 2, 4, 6, 9 ले लिया बेटा हमने। अब कोई ऑर्डर पेयर है, वो ऑर्डर पेयर कैसे लेने पड़ेंगे हम? कार्टिजन प्रोडक्ट आपको आती है, जब बेटा कार्टिजन प्रोडक्ट करते हो आप, आती है ना आपको, ए और बी के साथ सारे ऑर्डर पेयर बनाएंगे। और रिलेशन क्या होता है? कार्टिजन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, ये आपको पता है ना, रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ कार्टिजन प्रोडक्ट। इसमें जो कंडीशन है वो ये कंडीशन है कि ए एलिमेंट ए में है और बी एलिमेंट बी से लेना है एंड ए डिवाइड्स बी, ए डिवाइड्स बी। मैं थोड़ा सा आपको सेट पर ले जाता हूं। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या था बेटा? सबसे पहले हम एक्स राइट करते थे और उसके बाद इस एक्स से रिलेटेड जो भी आपकी स्पेशल प्रॉपर्टी होती थी, जो भी आपका स्पेशल रूल होता था, उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते थे। सेट में और रिलेशन में यदि आप थोड़ा सा कंबिनेशन बना लो, सेट में एलिमेंट होता और रिलेशन में ऑर्डर पेयर होता, भाई कोई डिफरेंस नहीं है, ऑर्डर पेयर भी एक एलिमेंट ही होता बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक ऑर्डर पेयर लिखेंगे ए कोमा बी। ए किससे बिलोंग करता है? ए से, और बी करता है बी से। और इसके बाद आपने क्या करना है, वो स्पेशल रूल लिखना है, जैसे आप वोवल का लिखा करते सेट में, इसमें ए और बी के बारे में जो भी स्पेशल रूल दिया पाए, बी ए इज लेस देन बी, अगर उसने लेस का कहा तो ए लेस देन बी,
ग्रेटर का तो ए ग्रेटर देन बी, उसने कहा है कि ए इज अ डिवाइजर ऑफ बी तो ए इज अ डिवाइजर ऑफ बी, उसने कहा ए डिवाइड्स बी ए डिवाइड्स बी, यानी वो यहां स्पेशल रूल लिखेंगे ए इज इक्वल टू बी तो यहां पर ए इज इक्वल टू बी लिख लेंगे। इज दैट क्लियर? तो यहां मान लीजिए मैंने एक रूल ले लिया ए डिवाइड्स बी, तो सेट बिल्डर फॉर्म में बेटा हम इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्डर पेयर लिखेंगे, दोनों एलिमेंट्स के बारे में बताएंगे ए किसमें से बी किसमें से है, और इसके बाद जो स्पेशल प्रॉपर्टी है जो स्पेशल उसमें रूल है जो उसने गिवन हो लेंगे हम। क्लियर है? रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते थे, एक बार सेट में जाइए आप, सेट पे फिर आपको सेट माइंड में करिए। रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते थे भी किसी भी सेट में जितने भी एलिमेंट है ना उनको हम सेपरेट करते थे कोमा द्वारा और फिर एनक्लोज कर देते थे कर्ली ब्रैकेट में। इसमें वही काम करना है, बस आप एलिमेंट की जगह ऑर्डर पेयर लेंगे, यानी इसमें जितने भी ऑर्डर पेयर है ना उन ऑर्डर पेयर को हमें कर्ली ब्रैकेट में राइट कर देंगे। मैं यही एग्जांपल ले रहा हूं बेटा आपका, यही एग्जांपल सेट बिल्डर फॉर्म वाला, ए ए में से लेना बी बी में से एंड ए डिवाइड्स बी, यानी ए बी को डिवाइड करता है। तो बनाए यहां से एक रिलेशन देखो, टू किस किस को डिवाइड करता है, देखो टू करता है तो टू टू वाला लेंगे, टू फोर को भी डिवाइड करता है, टू सिक्स को भी डिवाइड करता है। क्लियर है? थ्री किसको डिवाइड करता है, सिक्स को करता है और नाइन को करता है, और तुम किसी को करता सिक्स किसको करता है, सिर्फ सिक्स सिक्स को करता है और एट किसी को नहीं करता, यानी ए डिवाइड्स बी के हमारे ये ऑर्डर पेयर बने। यही रोस्टर फॉर्म है, यही रोस्टर फॉर्म है, जितने भी ऑर्डर पेयर बनेंगे उनको कोमा द्वारा सेपरेट करके एनक्लोज कर देंगे बेटा एक कर्ली ब्रैकेट में। बहुत ईजी है। तो ये दोनों टाइप तो बेटा आपकी ये लगा लीजिए कि आपने सेट से ही ली है, उसमें एलिमेंट लिखते थे इसमें ऑर्डर पेयर लिखते हैं, और ऑर्डर पेयर को भी आप एलिमेंट ही समझ सकते हो। इज इट क्लियर? सेट बिल्डर फॉर्म क्लियर है, रोस्टर फॉर्म क्लियर है। इसके बाद इसको लिखते हैं एरो डायग्राम द्वारा, एरो डायग्राम यानी किसी भी रिलेशन को हम एरो डायग्राम द्वारा भी डिनोट कर सकते हैं। कैसे? इसके लिए हम ये दो सेट ले लेते हैं, ये ए है और ये बी है, इन दोनों का रिलेशन निकालना बेटा हमने। ये एरो डायग्राम ध्यान से देखना, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, बहुत आसान, आराम से कर लोगे। ए के सारे एलिमेंट लिख लीजिए बेटा इसमें, टू थ्री सिक्स एंड एट, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, कोई छोड़ना नहीं हमने। बी के भी सारे लिख लीजिए, टू फोर सिक्स एंड नाइन। क्लियर है? पहले इसमें ए के सारे एलिमेंट्स लिख लिए, बी के सारे लिख लिए। मैं इसी एग्जांपल को ले रहा हूं ए डिवाइड्स बी का, तो इसमें हमारे बेटा ये ऑर्डर पेयर बने थे। तो एरो डायग्राम में बहुत इजी है, जो आपके ऑर्डर पेयर बने उनको एरो द्वारा कनेक्ट कर दो बस उठा के, यानी टू को एक ऑर्डर पेयर क्या, टू टू, तो टू को टू से कनेक्ट कर दो एरो द्वारा, टू फोर का भी है तो टू को कनेक्ट कर दो एरो द्वारा फोर के साथ, टू सिक्स भी है तो टू को सिक्स से भी कर दो, टू और किसी से नहीं है ना, अब थ्री को पकड़ लीजिए, थ्री किसके साथ है, सिक्स के साथ, तो थ्री और सिक्स को कनेक्ट कर दीजिए ऐसे, थ्री नाइन के साथ भी है, थ्री को नाइन के साथ भी करेंगे, इसके बाद सिक्स जो है सिक्स के साथ है तो सिक्स को सिक्स के साथ भी करेंगे। तो बेटा इस प्रकार आप कनेक्ट कर सकते हो। इसमें हमारी दो टाइप हो रहती हैं, वो भी हम कर ही लेते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन की। सेट बिल्डर फॉर्म क्लियर है, रोस्टर फॉर्म क्लियर है, एरो डायग्राम भी क्लियर है, बहुत आसान है। एरो डायग्राम में क्या करना, आपने जितने भी ऑर्डर पेयर बने हैं उनको आपने कनेक्ट करना है एरो द्वारा। इसके बाद जो हमारा बेटा फोर्थ है लैटिस और फिफ्थ है टेबुलर फॉर्म, आपके सेट में रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म एक ही बात थी बट इसमें अलग अलग है। फोर्थ है लैटिस और फिफ्थ आपका टेबुलर फॉर्म, ये मैंने सम पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन लिए, ध्यान रखना इस बात को। लैटिस में ग्राफ बनाना होता है बेटा बिल्कुल इजी है, जैसे आप ग्राफ नहीं बनाते हो, बिल्कुल इजी है। ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे ए को रिप्रेजेंट करेंगे और वाई एक्सिस पे बी को रिप्रेजेंट करेंगे। वन ए में
सबसे बड़ा एलिमेंट 8 है, तो 1 का डिफरेंस लेकर 8 तक लिख लीजिए बेटा, 5, 6, 7, 1, 8। ये डिफरेंस इक्वल रखें ग्राफ पे, तो वैसे ही पता आपको ब्लॉक बने होते हैं। बी पर 9 तक ले लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। आप जैसे ग्राफ पे कोऑर्डिनेट्स लेते थे ना, लेटिस वही है, ये कोऑर्डिनेट समझ लीजिए, यानी ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट, बस इन पॉइंट्स को डिनोट करना है। तो 2,2 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा ना, ये आपका 2,2 है बस, ये क्या बन गया बेटा आपका 2,2, बहुत ईजी है ना। 2,4 कहाँ बनेगा, 2 और 4 यहाँ बनेगा आपका। बेटा कोऑर्डिनेट समझ लीजिए आप इनको, कुछ नहीं है, इसको एक्स कोऑर्डिनेट समझ लीजिए, इसको वाई कोऑर्डिनेट समझ लीजिए। इसके बाद 2,6, ये आपका 2,6 है। इसके बाद 3,6 यहाँ आएगा, ये आपका 3,6 है। इसके बाद 3,9, ये आपका 3,9 है ना जी, बस कोऑर्डिनेट समझ के इनको, वैसे तो हैं तो हमारे ऑर्डर पेयर बेटा ध्यान रखना, बट कोऑर्डिनेट समझ के आप डिनोट कर सकते हो, 6,6, 6 और 6, इस प्रकार हमारे ये आपके ग्राफ द्वारा, इसको बोलते हैं लैटिस, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन इन लैटिस फॉर्म। इज दैट क्लियर, क्लियर है आपका फोर टाइप। इसमें एक्स एक्सिस को ए सपोज कर लिया, वाई एक्सिस को बी सपोज कर लिया, और पॉइंट्स को डिनोट कर दिया। लास्ट है टेबल फॉर्म, इसमें टेबल बनाएंगे बेटा आप, नाम से ही पता चल रहा है। तो जो सबसे पहले कॉर्नर वाला आपका ब्लॉक है, इसमें रिलेशन लिख देना। इसके बाद ए में एलिमेंट चेक करो कितने हैं, 2, 3, 6, 8, जितने एलिमेंट्स हैं उतने हॉरिजॉन्टल में आप ब्लॉक बनाए, खाने बनाएंगे आप ऐसे, जितने हैं 4 है ना, तो हम 4 बनाएंगे इसको छोड़ के, और एलिमेंट लिख लीजिए 2, 3, 6, 8, 4 बना लिए हमने। और बी में भी 4 है, तो 4 ही हम वर्टिकल बना लेंगे, यानी यहां ए वाले लेने आपने, यहां बी वाले, वो सारे एलिमेंट लिख लीजिए। इजी है, एक टेबल बनाएंगे, कॉर्नर में आर लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल वाले के अकॉर्डिंग जो हमारे ब्लॉक है उनमें हम ए वाले लिखेंगे, यहां ए वाले लिखेंगे और यहां बी वाले लिखेंगे हम। अब करना क्या आपने, जिस जिस ऑर्डर पेयर है, जैसे 2 का 2 के साथ ऑर्डर पेयर है, उसमें 1 लिख दीजिए, 2 और 2 में 1 लिख दीजिए। 2 का 4 के साथ भी है, इसमें 1 लिख दीजिए, 2, 6 के साथ भी, इसमें 1 लिख दीजिए, बहुत ईजी है ना। इससे आसान क्या होगा बेटा, ये तो छोटी क्लास वाले बच्चे भी कर सकते हैं भी, आपने इसको 2, 2 को लिखना है, 1 लिखना है वहां पर, आसान है ना। इसके बाद 3, 6, 3 और 6 वाला ये है, इसमें 1 लिख देंगे, 3, 9 इसमें 1 लिख देंगे, और 6, 6 है, 6, 6 यहाँ इसमें 1 लिख देंगे, बस ये करना आपने टेबल फॉर्म में। अब बच गए हमारे जितने भी ब्लॉक के खाने, उन सब में 0 लिख दीजिए उठा दे बस, इनका कोई ऑर्डर पेयर नहीं है, नन, कुछ नहीं इनका, एक यहां बच गया 0, यानी जो ऑर्डर पेयर है उनके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जहां भी वो इंटरसेक्ट करते हैं वहां पर 1 राइट कर दीजिए। तो बेटा ये 5 टाइप आपकी थी जिनके द्वारा आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस टॉपिक में आज हमने बहुत मेजर, बहुत इंपॉर्टेंट और यूजफुल किया है टाइप्स ऑफ रिलेशंस एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। अच्छे से करना इनको बेटा, याद भी करना है और प्रैक्टिस भी करनी है इनके बारे में, थोड़े से रिलेशन देख कर अच्छे से करेंगे आप आराम से कर पाओगे। ओके बेटा, तो आप इसको, मैं फिर आपको ये बात बता देता हूँ, ये आपके +2 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने टाइप्स की थी, और कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके बेटा, आपने जो मेन काम क्या करना है, अपने चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, और सब्सक्राइब तो करोगे ही बेटा। घर पर रहे, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, सबका ध्यान रखना। थैंक यू बेटा।